हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल के एंड एम एजुकेटर क्लास। फ्रेंड्स, जो रिमझिम की बुक है क्लास थर्ड की, तो उसके 3 चैप्टर हो चुके हैं और आज हम जो है हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है हमारा बहादुर बिट्टू। तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम कि इसमें क्या स्टोरी दे रखी है। इससे जो है क्वेश्चन पूछा गया था एग्ज़ाम में, KVS के एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर पहले हम स्टोरी पढ़ेंगे कि स्टोरी में क्या दे रखा है। यहाँ पर ये स्टोरी है बहादुर बिट्टू की, यानी कि एक किसान था और उसकी बीवी है जिसका नाम है बिट्टू। तो यहाँ पर है कि एक किसान था, उसकी बीवी का नाम था बिट्टू। एक दिन किसान ने बिट्टू से कहा, सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शेर ने आकर कहा, किसान किसान अपना बैल मुझे दे दे वरना मैं तुझे खा जाऊँगा। तो किसान जो है वो अपनी बीवी से कहता है ये बात कि एक शेर आया और शेर ने मुझसे कहा कि तुम मुझे अपना बैल दे दे वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। पर बिट्टू जो थी वो कैसी थी, वो बहादुर थी। तो बिट्टू ने उससे पूछा, तूने क्या जवाब दिया। मतलब जो बिट्टू है वो अपने जो उसका जो हस्बैंड था उससे पूछती है, किसान से, कि तूने क्या जवाब दिया। तो फिर हम अगला नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, उसमें बोलता है कि किसान ने कहा कि मैंने कहा तू यहीं रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूँ, अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। तो किसान ने बोला शेर से कि तू यहीं पर रुक और मैं जो है गाय लेकर आता हूँ, क्योंकि अगर बैल खा लिया तुमने तो हम भूखे मर जाएंगे, क्योंकि बैल से ही जो है उसकी खेती होती थी और बैल जो होता है वही जो है उसका खेती के लिए काम में आता था। यह सुनकर बिट्टू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, उसने किसान को फटकारा कि घर की गाय शेर को खिलाते तुझे शर्म नहीं आई, अगर गाय चली गई तो घर में दूध न लस्सी। मतलब कि जो गाय है, गाय से ही उनका जो है जीवन यापन होता था, क्योंकि गाय से ही वो दूध और उनको लस्सी मिलती थी। क्योंकि यहाँ पर वो जो दिखाया गया है इस डायग्राम में, देखिए जो ये दिखाया गया है ये आपके पंजाबी हैं, तो पंजाबी जो लोग होते हैं वो ज़्यादा यूज़ करते हैं लस्सी का, लस्सी ज़्यादा पीते हैं। तो उसने बोला बिट्टू ने कि घर में ना दूध ना लस्सी, बच्चे रोटी किस चीज़ के साथ खाएंगे। तो बिट्टू को यहाँ पर जो है बहुत गुस्सा आया किसान की बात सुनकर। बिट्टू को एक तरकीब सूझी, उसको एक आइडिया आया, उसने कहा तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बिट्टू तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। बिट्टू ने कहा किसान से कि तुम जाओ शेर के पास और शेर से कहो कि तुम्हारे जो मेरी बीवी है वो तुम्हारे लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। किसान डरता डरता शेर के पास गया, उसने कहा शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल सी है, उससे तुम्हारा क्या बनेगा, मेरी बीवी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताज़ा घोड़ा लेकर आ रही है। तो किसान जाता है शेर के पास और उससे ये बात बोलता है जाके कि मेरी बीवी तुम्हारे लिए एक मोटा और ताज़ा जो है घोड़ा लेकर आ रही है। इस तरीके से बिट्टू जो है ये पगड़ बांधती है सिर पर और घोड़े पर बैठकर जाती है, क्योंकि वो बहादुर थी बहुत। फिर अगला, तो बिट्टू ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा और हाथ में दराती लेकर घोड़े पर सवार हो गई। दराती वही जो जिससे घास वगैरह काटते हैं, वो दराती। तो घोड़ा दौड़ाती वह खेत पर पहुंची और जोर से चिल्लाई, अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को फांस रखा है, यहाँ तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहाँ गए। तो जो बिट्टू थी उसके दिमाग में एक आइडिया, उसने सोचा था कि मैं जाकर जो है ऐसा बोलूँगी। तो वो ऐसे ही बोलती है, ज़ोर से चिल्लाती है और कहती है कि अरे किसान, तूने तो कहा था कि तूने 4 शेरों को फांस रखा है, यहाँ तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहाँ गए। फिर वह घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ती है और कहने लगी, अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफ़ी है। तो वो सब जो है वो उसकी चालाकी थी बिट्टू की, जो उसने ये सारी बातें बनाई। इतना सुनना था कि शेर डर के मारे कांपने लगा और भाग खड़ा हुआ, क्योंकि शेर को लगा कि भाई ये तो बहुत कोई राक्षस नहीं है जो 4 शेरों को नाश्ते में खाती है, तो मेरा क्या होगा, इसलिए वो भाग गया। ये देखकर बिट्टू बोली, देखा इसे कहते हैं हिम्मत, तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे। मतलब जो उसका हस्बैंड था किसान जो था, वो घर की जो गाय थी उसको शेर के हवाले कर रहा था, क्योंकि वो शेर से बहुत डर चुका था। पर बिट्टू जो थी वो बहुत ज़्यादा बहादुर थी। उधर मारे भूख के शेर की आंतें छटपटा रही थी, एक भेड़िए ने पूछा, महाराज क्या मामला है, आप आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं।
तो शेर ने कहा, कुछ ना पूछो, आज मुश्किल से जान बची है। आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया जो रोज सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। यहाँ पर जो शेर था वो बहुत ज़्यादा परेशान था और बहुत भूखा था, क्योंकि उसको शिकार में कुछ नहीं मिला था। ये सुनकर भेड़िया जो है बहुत हंसा। वह सुबह झाड़ी के पीछे सारा तमाशा देख रहा था। सब कुछ जो है भेड़िए के सामने हो रहा था। जो भी बित्तों ने जो है उसको पागल बनाया था शेर को, वो सब भेड़िया देख रहा था। उसने कहा, भोले बादशाह, वह तो बित्तो थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया था। आप इस बार कोशिश करके देखिए, अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भी भेड़िया नहीं। तो भेड़िया बोलता है शेर से कि आपको तो पागल बनाया है बित्तो ने, और अगर एक बार और आप कोशिश करके देखिए। बहुत कहने पर शेर जो है वो किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने भेड़िए से कहा, तुम अपनी पूँछ मेरी पूँछ से बांध लो। तो इतना कहने पर जब उस भेड़िए ने ज़्यादा कहा तो शेर जो है भेड़िए के साथ जो है जाने के लिए तैयार हो जाता है, और फिर कहता है भेड़िए से कहा कि तुम अपनी पूँछ जो है वो मेरी पूँछ के साथ बांध लो। अगला पेज देखिए, अगला 26 पेज नंबर पर क्या होता है फिर स्टोरी में। तो दोनों जने जो है पूँछ बांध कर चल पड़े, क्योंकि शेर को यहाँ पर डर लग रहा था इसलिए वो भेड़िए के साथ जा रहा था। उन्हें देखते ही किसान के होश आवास गुम हो गए, क्योंकि किसान ने फिर देखा कि ये दोबारा वापस आ रहा है। वह डर से थर थर काँपने लगा, लेकिन बित्तो बिल्कुल नहीं घबराई, क्योंकि वो तो बहादुर थी। भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, क्या रे भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूँछ से 4 शेर बांध कर लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया है, वह भी मरियल सा। जब इतना सुनता है शेर, भला इसे खाकर मेरी भूख मिट कैसे सकेगी, खैर इस वक्त यही सही है। इतना कहकर बित्तो आगे बढ़ी। ये सब शेर जो है वो सुन रहा था। शेर के होश हवास उड़ गए, उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है। वह फौरन वहां से भागा। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, क्योंकि भेड़िया जो है वो सब चालाकी समझता था बित्तो की, कि वह जो है पागल बना रही है शेर को, लेकिन शेर ने उसकी एक न सुनी, तेजी से भागता चला गया। किसान और बित्तो जो है वो आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम था कि अब शेर उनके खेत की तरफ फिर कभी नहीं आएगा, क्योंकि बित्तो ने जो है इतनी बहादुरी से शेर का सामना किया है। तो इस स्टोरी से हमें क्या जो है शिक्षा मिलती है, ये जो स्टोरी है बित्तो की, बहादुर बित्तो नाम ही है इसका, बहादुर बित्तो, तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, इससे हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी मुसीबत में हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि अगर हम हार मान जाएंगे तो हमारा कुछ नहीं हो सकेगा। लेकिन अगर हम मुसीबत का डटकर सामना करेंगे और अपने दिमाग से चलेंगे तो हम हर मुसीबत को आसानी से पार कर लेंगे।